से पहले हम जावा या पाइथन भी तो सीख सकते हैं और फिर हम बात करेंगे कि आपको मेरा कोर्स क्यों करना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहली चीज यह आती है कि वाई शुड बी लर्न प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तो यार आजकल हम इतने सारे एप्स को देखते हैं अपने फोन में इतने सारे एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपने लैपटॉप पीसी में इतने सारे एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करते हैं ये सारे एप्लीकेशन का कोड कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ये सारे एप्लीकेशन कोडिंग करके ही बनते हैं और यहाँ पर जितनी भी कॉम्पिटिशन होती है ये एप्स तो छोड़ो यार आपका कंप्यूटर का जितना भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते हो और आपका फोन के लिए आपको पता है कि आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये भी प्रोग्रामिंग करके ही बनते हैं तो अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में घुसना चाहते हो और इन चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे कहाँ से शुरू करनी चाहिए तो इसीलिए मैं ये कोर्स बना रहा हूं इसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपकी फाउंडेशन बनेगी कि कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो दूसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों आप सी लैंग्वेज सीखोगे राधर देन जावा या फिर पाइथन पाइथन और जावा स्ट्रांग लैंग्वेजेस हैं बहुत और मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं ज्यादातर इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है लेकिन सी प्रोग्रामिंग हम क्यों सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग बहुत पुरानी लैंग्वेज है और काफी सालों पहले आई थी लेकिन आज भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो बनते हैं उसमें सी प्रोग्रामिंग का काफी यूज होता है और सी प्रोग्रामिंग आपकी पहली लैंग्वेज थी तो आपको एक कहानी के फॉर्म में अगर इस प्रोग्रामिंग को पूरा समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या हुआ कैसे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई प्रोग्रामिंग की और कैसे पहले सी लैंग्वेज आई और उसके बाद सी में हमने क्लासेस एड करी तो हमारी सी प्लस प्लस बन गई तो वहां से हमें अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग करने का मौका मिला हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता चला हमने फिर धीरे धीरे जावा पाइथन डेवलप करी पाइथन बहुत स्ट्रांग और बहुत ईजी है और बहुत लोग सोचते हैं कि हम पाइथन से शुरू करें क्योंकि वो एक ईजी लैंग्वेज है बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पाइथन पढ़ने के बाद अगर कभी सी करोगे तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन अगर सी पढ़ के आप पाइथन पे जाओगे तो आप बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे क्योंकि सी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है और इसमें ज्यादा चीजें करनी पड़ती है हमें और पाइथन में बहुत सारी चीजें पहले से ही बनी होती हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको कोड बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स ना लिखना पड़े तो सबसे बड़ी बात तो यार यहाँ पर यह है कि इंडियन कॉलेजेस में सबसे पहले सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस ही सिखाते हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज करनी चाहिए तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मेरा कोर्स क्यों चूज करना चाहिए तो हम यहाँ पर देखते हैं इस कोर्स को

और सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं सबसे अच्छी एनॉलॉजी जो भी मुझे लगती है और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैं पढ़ाने वाला हूँ तो यहाँ पर इस कोर्स को मैंने हिंदी में इसीलिए बनाया ताकि आप हर टॉपिक को हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ और अपने तरीकों से उसे यूज कर पाओ और मैंने यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स और जो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में डाल सकता था सारे डाले हैं ताकि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आए और एवरी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाई प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना उसके बाद हम प्रोग्राम्स करेंगे प्रोग्राम्स करके आपको प्रैक्टिस होगी कि आप प्रोग्रामिंग कैसे करोगे सबसे बड़ी बात प्रोग्रामिंग में यही होती है कि आपको प्रोग्राम्स ही लिखने होते हैं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बट कॉन्सेप्ट से सब कुछ नहीं होगा और आपको प्रैक्टिकल यूज समझना है कि यार एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो उसका आप यूज कैसे करोगे और कैसे उसका लॉजिक लगा के किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे तो इसीलिए यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट के बाद मैंने कुछ प्रोग्राम्स कराए हैं और फिर यहाँ पर मैंने जितनी भी मॉडर्न कोडिंग टेक्निक्स और प्रैक्टिस होती हैं सारी कवर करी हैं और फिर मैं आगे अगर इस कोर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर मैंने 92 वीडियोस अपलोड कर दिए है और अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव आर्स का कॉन्टेंट है और इस कॉन्टेंट को आप अगर देख लोगे तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये ये कोर्स आपका फाउंडेशन बनाने के लिए है अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे प्रोग्रामिंग की फील्ड में ये कोर्स करने के बाद उसके बाद आपको बहुत स्टेप्स लेने होंगे बहुत चीजें सीखनी होंगी और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छे कोडर बन सकते हो तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको सच में समझना है कि कोडिंग क्या होती है तो ये कोर्स आप करो क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस जो होते हैं वो बोलते हैं बिगनर लेवल कोर्स है बट आपको समझ नहीं आता क्योंकि आपने कभी कोडिंग करी ही नहीं है तो यहाँ पर मैं पहले बताऊंगा कि होगा कैसे क्या होगा उसके बाद मैं आपको कोडिंग करवाना शुरू करूंगा और यहाँ पर नाइनटी 92 वीडियोस के बाद भी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाऊंगा बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा और यहाँ पर हमने एक मिनी प्रोजेक्ट भी किया हुआ है एक छोटा सा प्रोजेक्ट है साइंटिफिक कैलकुलेटर का कैलकुलेटर आप जानते हो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं प्रोग्रामिंग से तो हमने बेसिक एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऐप बनाना सीखा है पूरा अच्छे से यहां पर और हमने एक गेम भी बनाई है स्टोन पेपर सीज़र्स गेम आप बचपन से खेलते आए होगे और आप जानते होगे इस गेम के बारे में और लेकिन मैं यहां पर आपको यह गेम बना के दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि कैसे हम यह गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर के साथ और उसके बाद हमने यहां पर पचास प्रोग्राम ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आपको सोर्स कोड का मतलब नहीं पता तो मैं बता दू की जो भी आप एप बनाते हो उसके पीछे एक कोड होता है ऐप जो आप देख रहे हो वो कोड नहीं है वो तो आपका डिस्प्ले है बट उसके पीछे जो कोड लिखा होता है वो अगर हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं जो भी ऐप हम बना रहे हैं तो उसके पीछे वाला जो कोड है वो भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा तो जितने भी आपको प्रोग्राम्स मैं अच्छे अच्छे कराऊंगा उनके लिए मैं सोर्स कोड देने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ इन विडियोज में इन नाइनटी टू विडियो में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ो क्योंकि अगर आपका ये फर्स्ट कोर्स है और आप एक बिगिनर हो तो आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी होंगी और समझने के बाद रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक को ग्रेस्प करने के लिए तो आपको वो सारे नोट्स लेने होंगे और वो सारे जितने भी कोर्स मैं करवाऊंगा वो आपको खुद कोड करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि प्रोग्रामिंग हो कैसे रही है और ये सब क्या है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस मैंने डिवाइड किया हुआ है 16 पार्ट्स में ये पूरा सी प्रोग्रामिंग का आपका सिलेबस है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सिंटैक्स से लेकर आपका फाइल आईओ तक ये कॉन्सेप्ट्स आपको अभी पता ही नहीं होंगे अगर आप एक बिगिनर हो आपको नहीं पता होगा कि ये सब क्या लिखा है बट मैं आपको बता दूं ये अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके पूरे सिलेबस के तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे डिस्कस करी हैं सबके लिए प्रोग्राम इंडिविजुअल बनाए हुए हैं और सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किया है मैं आपको इस कोर्स की प्ले दिखा देता हूँ करना है कोर्स डॉट सोबिज्म मेरा चैनल है और यहाँ पर मैंने सी प्रोग्रामिंग की प्ले बनाई हुई है तो इस प्ले को हम देखते हैं इस प्लेलिस्ट में हमारी जो पहली वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे सी प्रोग्रामिंग का और हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और उसमें हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को भी बनाना सीखेंगे हमारी सी लैंग्वेज में और हमारी दूसरी वीडियो में में हम हम बेसिक स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं फिर कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे कंपाइलेशन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम फिर डेटा टाइप्स वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट ऑपरेटर्स हर चीज को पढ़ेंगे जो सी प्रोग्रामिंग में आती है मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और मैं हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद कुछ प्रोग्राम्स भी कराऊंगा जैसे यहाँ पर देखो हमने लूप है वाइल्ड लूप और फॉर लूप खत्म होने के बाद मैंने कुछ प्रोग्राम्स कराए हैं जिससे आपको समझ आएगा कि इन concepts को कैसे यूज करना है तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने सारी चीजों को पढ़ाया है और एंड में हमने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं जैसे यहाँ पर मैंने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का मिनी प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम सारी साइंटिफिक कॉम्पूटेशन भी करा रहे होंगे और वैसे ही मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया है जो एक गेम के फॉर्म में है स्टोन पेपर सिजर्स गेम हमने बनाया है हम सब इस गेम के बारे में जानते हैं लेकिन सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग को यूज करके कैसे ये गेम हम बना सकते हैं और क्या लॉजिक है इसके पीछे ये सब कुछ मैंने कवर किया है लेकिन इसके लिए आपको ये सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी ये सारी वीडियोस का यूज करके ही हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से ये सारी वीडियोस देखो और इन प्रोजेक्ट्स को बनाओ और सी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करो ताकि जब आप आगे जाके दूसरी लैंग्वेजेस सीखो या दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाओ तो प्रोग्रामिंग के बारे में आपको अच्छे से पता हो और आपको पता हो कि कैसे ये लैंग्वेजेस वर्क करती है तो ये मेरी पूरी प्ले वीडियोस है में 92 मैं डाल चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जाओ और अभी ही ये इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग वीडियो देखो और इस प्ले को पूरा देखना आप शुरू कर दो और मेरे चैनल कोर्ट्स डॉट सोबिजम को सब्सक्राइब करो गाइज थैंक यू एंड आई सी द नेक्स्ट वीडियो